हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल क्राक विथ चंदन सर। एंड जदि आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेबा पई चाहूचंती ताले निश्चित भाबे आपण जीएस गुरु विथ चंदन सर माध्यम रे आपण टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि परिबे बा टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करि परिबे। एंड इट रहिछि आपणकर कांटेक्ट नंबर जोटी आपण व्हाट्सएप ग्रुप जो रहिछि एथिले मध्य आपण जॉइन करि परछंती। एंड जदि मु व्हाट्सएप ग्रुप कथा कहि रखे तबे ए रहिछि आपणकर बेसिकली जनरल अवेयरनेस एवं ओडिया ग्रामर पाई की तेणु ये ग्रुप रही आपण को एवरी अल्टरनेटिव डे रे जोटा कि आपण को जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाउछि एवं ओडिया ग्रामर रो क्वेश्चन मध्य गूगल मीट माध्यम रे डिस्कशन कर दिया जाउछि जोटी आपण को ए ग्रुप रे जॉइन करबा पई हेले 450 रुपीज बा 450 टंका आपण को पे करबा पई पड़िबो। दैट टू एहा 2 मंथ रो ड्यूरेशन रहिबो। एंड ए ग्रुप रे जॉइन करबा पई हेले आपण ए जो नंबर रहिछि ए नंबर रे आपण को कांटेक्ट करबा पई पड़िबो। सो आपण को फर्स्ट क्वेश्चन मेडिवल इंडिया हिस्ट्री रो आपण को स्क्रीन रे रहिछि एंड व्हिच वन इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी। फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि के मानन को भीतर केउटा मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी रहिछि अकबरंकर रिलीजियस पॉलिसी मानस ऑफ द सिस्टम एंड टोडर माल बंदोबस्त बा नवरत्न ऑफ अकबर। तबे आपण कहि परले मानस अफदारी सिस्टम जोटा को आपण को आर्मी को रिलेट करी बा वार एंड आर्मी और डिफेंस सिस्टम बा पॉलिसी एंड अदरवाइज टोटल माल बंदोबस्त बा जोटा कि लैंड एंड मेजरमेंट जो सिस्टम रहितला एंड नवरत्न जाकि जो को कोर्ट पोएट होले कि बा कोर्ट जो आपण कर अकबर एडमिनिस्ट्रेशन रो जो बा अकबर को दरबार रो जो सॉरी तो नवरत्न जो थिले एमानन को नै कि आपन को जो पॉलिसी रही छि केउटा इफेक्टिव पॉलिसी एमानन को भीतर थिला। तबे जो रिलीजियस पॉलिसी रही छि ए रिलीजियस पॉलिसी जा कि मोस्ट इफेक्टिव थिला। तबे काहे कि ना ए रिलीजियस पॉलिसी भीतर यदि हमें मैट्रिमोनियल अलायंस रो कथा कहू मैट्रिमोनियल अलायंस यदि हमें देखिबा तबे जोधा बाई जोटा कि विवाह करी अर्थात अकबर हिंदू रूलर मानकर प्रिंस जो झी जो हिंदू रूलर माने हिंदू प्रिंसेस को विवाह करबा पूर्वक मैट्रिमोनियल अलायंस प्रतिष्ठा करबा पूर्वक जोटा कि कौनसी धर्म भीतर गैप नहीं अर्थात इबादत खन्ना जो रही था जहाँकि सब धर्मावलम्बी लोक मान कमन अप्रेयर हल इबादत खाना यह सहित सहित जो जाजिया टैक्स थी जोटा को आम रिलीजियस टैक्स बोली कहे फॉर नॉन मुस्लिम पाई जो जाजिया टैक्स थी रिलीजियस टैक्स यह उच्छेद करते अकबर। सो दैट जदि आम देखा इफेक्टिव पॉलिसी रही अकबर जोटा हूँ आप रिलीजियस पॉलिसी जहाँ भितर मैट्रिमोनियल अलायंस हो कि इबादत खाना हो कि जाजिया हो या सहित सहित आपणकर जो कौनसी धर्म जदि आपणकर हिंदू रही मुस्लिम धर्म को परिवर्तन हो कि आपणकर मुस्लिम धर्मावलम्बी लोक हिंदू धर्म को परिवर्तन हो यापाई कौन सी रेस्ट्रिक्शंस नथिला जोटा कि आपणकर अकबर पॉलिसी भितर कि जहाँ आम दिन इलाई बोली कहचे दिन इलाई बोली कहचे जोटा कि प्रथम महेश दास जी कि धर्म को परिवर्तन करते अर्थात ये जो पॉलिसी सब रिलीजियस पॉलिसी भीतर रही था तेणु यह रही मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी ऑफ अकबर। नेक्स्ट रही व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू अकबर एमानंक भीतर क्यों स्टेटमेंट जहाँकि अकबर हिसाब से देखिले रॉन्ग रही फर्स्ट एक्सपेंडिशन ऑफ अकबर मालवा बाय मान सिंह इन 1561 फर्स्ट एक्सपेंडिशन अकबर मालवा रही था किंतु मान सिंह नुहे बरम जहाँ हूँ आदम खान ही जैक 1561 रे जो बाज बहादुर द कमांडर ऑफ मालवा उनको परास्त करिवारे सक्षम होइतिले आदम खान मान सिंह नुहे आसीगढ़ थिला लास्ट एक्सपेंडिशन ऑफ अकबर बिल्कुल निश्चिंत भावे जहाँकि 1601 रे एथिरे मध्य कोनोसी संदेह नहीं किंतु जदि आमे कमांडर देखिबा अकबर बाय मीरान बहादुर नुहे बरंग मीरान बहादुर को अकबर डिफिट करिथिले किंतु मुगल पटरु निजे
एक्सपेंडेशन ऑफ अकबर बाय नुहे आशी गट द लास्ट एक्सपेंडेशन अकबर निजे हिमसेल्फ डिफिट मीरान बहादुर इन 1601 मीरान बहादुर बहादुर अकबर कमांडर नथिले बरं आशीगढ़ कमांडर थिले जहाँ को अकबर परास्त करथिले तेनु बोथ स्टेटमेंट रही है रॉन्ग सो दैट ऑप्शन सी बोथ इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द नॉट राइट अमंग देम अकबर रिमूव द कस्टम ऑफ सती फ्रॉम हिंदूज हिंदू मानकर जो कस्टम जो सती प्रथा थिला याकु रिमूव करथिले कि नहीं यह रॉन्ग अटे यदि हमें कहबा पाखा पाखी अकबर ट्राइड टू रिमूव मीन जोटा कि आम कहीपर ट्राएड टू रिमूव खाली रिमूव करदे मान यह सती जोटा कि अकबर द्वारा रिमूव हो पारिना ट्राएड टू रिमूव अर्थात रिमूव करने ट्राए करते बाल्य बिवाह एवं कस्टम ऑफ सती यहाँ रिमूव करने ट्राए कर बट अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल होना से कि आम यदि कह अकबर ट्राएड टू रिमूव द कस्टम ऑफ सती फ्रम द हिंदूज ताहले आंसर राइट हबो किंतु अकबर फुली रिमूव करिसेंते हार कोनो सी यथार्थता नाही तेनु एटा मध्ये आपनकर नॉट राइट अटे बा या भूल अटे। एंड मानस अफदारी सिस्टम ऑफ द मुगल इंट्रोड्यूस बाय अकबर इन 1574 बिल्कुल मानस अफदारी सिस्टम जोटा कि मुगल इंट्रोड्यूस अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस होता 1574 मसीह तेणु यह ठीक अच्छी या भूल अच्छी तेनाली नॉट राइट होची ऑप्शन ए तो आम आंसर ए सहित जीवा ओनली ए बोली ओके। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन कहे व्हिच पेयर इज रॉन्ग रामायण ऑफ वाल्मीकि ट्रांसलेटेड बाय बादौनी जो वाल्मीकि रही वाल्मीकि रामायण रही बादौनी द्वारा ट्रांसलेट कर पारसी लांगुएज बिल्कुल राइट अच्छी। लीलावती ट्रांसलेटेड बाय पारसीयन बाय फाइजी यह राइट रही। एंड पंचतंत्र जोटा कि आपणकर विष्णु शर्मा द्वारा लिखा जाइए यह अबुल फजल ब्रदर अबुल फजल द्वारा यह ट्रांसलेट कर राइट अच्छी। अथर्व वेद ट्रांसलेट इन पारसीयन बाय टोडर बाल नुहे अथर्व वेद जहाँकि इब्राहिम सरहंदी इब्राहिम सरहंदी का द्वारा जोटा कि अथर वेद को ट्रांसलेट कर टोडरमाल द्वारा भागवत जो हिंदू भागवत पुराण रही टोडरमाल द्वारा ट्रांसलेट कर तो ऑप्शन हूँ इब्राहिम सरहंदी सो दैट कि ऑप्शन डी इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट और रॉन्ग पेयर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हूज स्टेटमेंट इज रॉन्ग अमंग देम बुलंद दरवाज ऑफ फतेहपुर सिकरी जो फतेहपुर सिकरी जो बुलंद दरवाज रही अकबर द्वारा बिल्ड कर 176 फुट विशिष्ट बा 176 फीट की जदि यह राइट रही ऑप्शन ए राइट रही। एंड जदि अकबर टॉम आट फतेहपुर स्टार्टेड बाय अकबर फतेहपुर रे जो अकबर टॉम रही अकबर स्टार्ट करते जहांगीर कंप्लीट कर यदि जहांगीर कंप्लीट कर रईट रही ओके। तेरे निश्चित भाव यह तो रईट स्टेटमेंट अच्छी अकबर टम आट फतेहपुर नुहे अकबर टम हूँ नियर सिकंदरा जोटा कि सरी अकबर टम आट सिकंदरा नियर आग्रा कहींपर आग्रा पाखे सिकंदरा जोटा कि टम रही जहाँ अकबर द्वारा स्टार्ट कर जहांगीर कंप्लीट करते तेणु ऑप्शन ए राइट रही ऑप्शन बी रॉन्ग रही तेणु हु स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो ओनली बी इज योर आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे हु स्टेटमेंट इज राइट अमंग देम नादिर उस जमान द फेमस पेंटर द कंटेम्पररी ऑफ अकबर नादिर उस जमान होती फेमस पेंटर जी की अकबर कंटेम्पररी तेबे यह भूल अटे जे कि नादिर उस जमान फेमस पेंटर ऑफ अकबर नुहे जहांगीर का समय रे और जहांगीर का समय रे ही पिट्रा डोरा आर्ट जोटा कि मार्बल आर्ट जोटा कि इंट्रोड्यूस या सहित सहित फेमस पेंटिंग आर्किटेक्चर मध्यम जहांगीर का समय इंट्रोड्यूस होता जो नादिर उस जमान होती फेमस पेंटर ये जहांगीर समकालीन
ଏବଂ ପିଟ୍ରା ଡୋରା ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର ବିଲକୁଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ବି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ଫାଇନ୍ ପଲିସ୍ ମାର୍ବଲ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ରହିଛି ପିଟ୍ରା ଡୋରା ଆର୍ଟ ଏହା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦେମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ଭିଜିଟ୍ ଏ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର ୟେସ୍ ବିଲକୁଲ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ 1608ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଆସିବା ସହିତ 1615ରେ ଥୋମାସ୍ ରୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ ଯାହାକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପରମିସନ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1600 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ବଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି ଇନ୍ ଆକବର ପିରିୟଡ୍ ରାଲଫ୍ ଫିଚ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ଭିଜିଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଆକବର ଥୋମାସ୍ ରୟ ଆଣ୍ଡ ହକିନ୍ସ ନୁହନ୍ତି ହକିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଥୋମାସ୍ ରୟ 8 ଏବଂ 15ରେ ଆସିଥିଲେ ସତ ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ରାଲଫ୍ ଫିଚ୍ ଆସିଥିଲେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଆକବର୍ସ ଦରବାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ତେବେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ଇନ୍ 1606 1606 ମସିହାରେ ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଖୁସ୍ରୋ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ଦେବ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ବା ଫିଫ୍ଥ ଗୁରୁ ଇଏ ୱିଥ୍ ଖୁସ୍ରୋ ଯେଉଁ ଫିଫ୍ଥ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଇଏ ଖୁସ୍ରୋଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁସ୍ରୋ ଆନନ୍ଦର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁରମ୍ ଯେଉଁ ଖୁରମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶାହାଜାନ୍ ଓକେ ତେଣୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଫିଫ୍ଥ ଗୁରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଇଏ ଆଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସରି ଖୁସ୍ରୋଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେବେଠୁ ଯେଉଁଟାକି ଶିଖ୍ ଜିମ୍ ଏବଂ ମୋଗଲ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଖୁସ୍ରୋଙ୍କୁ ଖୁରମ୍ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତେବେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ଦେବ ପୁଟ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ଇନ୍ 1606 ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ ଯେକି ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ସିଂଙ୍କୁ ବା ଅର୍ଜନ ଦେବଙ୍କୁ 1606 ମସିହାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପାଇଁକି ଯେଉଁଟାକି ଖୁସ୍ରୋଙ୍କୁ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବକ ବା ଖୁସ୍ରୋଙ୍କୁ ଅପୋଜିସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବକ ବା ଖୁସ୍ରୋଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପୂର୍ବକ 1606ରେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ମୋଗଲ ଦ୍ୱାରା ବା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି 1608 ନୁହେଁ 1606 ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ହୁଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅ ରାଇଟ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦେମ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଲୋହଗଡ଼ ଫଟ୍ ବିଟୁଇନ୍ ବାହାଦୁର ଶାହ ଆଣ୍ଡ ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର ବୈରାଗୀ ଇନ୍ 1710 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ବିଲକୁଲ 1710 ମସିହାରେ ଯିଏକି ଆଫ୍ଟର ଟେନ୍ଥ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଟେନ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ପରେ ଯିଏକି 11th ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆମେ ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର ବୈରାଗୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଉ ଯିଏକି ଶିଖ୍ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର ବୈରାଗୀ ଯିଏକି 1710ରେ ଯିଏକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ୱାଜିର ଥିଲେ ମୋଗଲର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତ ଏହା ପୂର୍ବକ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଲୋହଗଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ବାହାଦୁର ଶାହ ତ ସକ୍ସେସର୍ ଅଫ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଟର୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବାହାଦୁର ଶାହ 1 ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର ବୈରାଗୀଙ୍କ ଭିତରେ 1710 ମସିହାରେ ଏଇ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଲୋହଗଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର ବୈରାଗୀ ଡିଫିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫାରୁକ୍ ସିଆରଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇ ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର ବୈରାଗୀଙ୍କୁ ଫାରୁକ୍ ସିଆର ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବକ ଗୁରୁଦାସପୁର ଫୋର୍ଟକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବାହାଦୁର ଶାହ ରିଷ୍ଟୋର୍ ଦ ପିସ୍ ୱିଥ୍ ରାଜପୁତ ଜି ବିଲକୁଲ ବାହାଦୁର ଶାହ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସହିତ ପିସ୍ ବା ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ଏହା ସହିତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମରାଠା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ମରାଠାର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏହା ମରାଠା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରଖିଥିଲେ ରାଜପୁତ ଆଣ୍ଡ ମରାଠା ବୋଥ୍ ଓକେ ତେବେ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୋଥ୍ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କି ହୁଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦେମ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ବାହାଦୁର ଶାହ 1 ମୋଗଲ କୋର୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ 3 ପାର୍ଟ ନାହିଁ ବାହାଦୁର ଶାହ 1 ନୁହେଁ
बहादुर शाह सक्सेसर हिसाब से जब देखा जहांदर शाह जहांदर का समय रे जहाँकि आपणकर ये मुगल कोर्ट तीन भाग डिवाइड होता जहाँ हूँ ईरानी तुरानी एवं हिंदुस्तानी ईरानी तुरानी एवं हिंदुस्तानी तीन भाग रे कोर्ट को डिवाइड करा जाय थिला नॉट इन पीरियड ऑफ बहादुर शाह पीरियड ऑफ जहांदर शाह। जहांदर शाह के परमिशन टू साहू जो रिलीज करवा कथा कहते जस्ट पूर्व जे साहू को ही जैक रिलीज करा जाय थिला जो जेल रे थिले तांको रिलीज करा जाय थिला जहाँकि आपणकर बहादुर शाह द्वारा जस्ट पूर्व क्वेश्चन जो थिला राजपूत मान सहित भल संपर्क स्थापन करने सहित साहू को रिलीज करते नाटा जस्ट मोर मन पड़ना। जहांदर शाह गेव परमिशन टू साहू टू कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेशमुखी इन डेकान। जहांदर शाह परमिशन देते हाँ बिल्कुल राइट अच्छे ऑप्शन ए हूँ रंग आंसर जो कि ओनली ए कि जहांदर शाह बहादुर शाह नुहे तेनालीर जैक रंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट हूँ ह्विच इज द राइट स्टेटमेंट एमंग देम जॉन सुरमान विजिटेड इंडिया द पीरियड ऑफ जहांदर शाह नाई यह हूँ पीरियड ऑफ फारूक सियार जी आपर पढ़े मुझे को जे जॉन सुरमान जी कि ईस्ट इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मेंबर थे जहाँ सहित डॉक्टर हैमिल्टन जे थे सी मध्य जॉन सुरमान सहित विजिट कर इंडिया को जोटी फारूक सियार असुस्थता लाभ करिवारो जो सर्जन थे हैमिल्टन तांको चिकित्सा करने सहित फारूक सियार को भल मध्य करथिले रोगरु मध्य बंचाई थिले तेनु फारूक सियार समय रे एई जॉन सुरमान एंड डॉक्टर हैमिल्टन जदि कहिबा विथ जॉन सुरमान आसीथिले जोटी कि जहाँ फारूक सियार को रोगमुखरु बंचाइबा पूर्वक फारूक सियार तांको जाकि कंपनी ग्रांट मध्य फार्मानशिप ग्रांट करथिले ईस्ट इंडिया कंपनी को ये थिला फारूक सियार पीरियड नॉट जहांदर शाह। शाहिद ब्रदर कैप्चर बंदा बैरागी फोर्ट इन लाहौर इन 1715 ये मध्य जैक शाहिद ब्रदर जो थे किंग मेकर बोली कहा जाऊला ये से फारूक सियार को एस्टाब्लीश करने पचर शाहिद ब्रदर बहुत ही हाथ रही आंद फारूक सियार जैक बंदा बहादुर बैरा को डिफिट कलापर किल हत्या कलापर जो फोर्ट रही ए फोर्ट को अख्तियार करते कि फोर्ट लाहौर में नुहे ए फोर्ट हूँ गुरदासपुर जस्ट मुझ आग क्वेश्चन में गुरदासपुर नॉट लाहौर छोटिया छोटिया मिस्टेक आपको बहुत ही कन्फ्यूज करे तेनाली आम राइट स्टेटमेंट कहवा केवटा भी नुह तो ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर नॉन ऑफ द एबव तेज आशा कर दस नंबर क्वेश्चन दसटा जाक क्वेश्चन समस्त बुझे तेज नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि हूज स्टेटमेंट इज राइट एमंग देम जोटा कि शाह आलम टू द लास्ट सुबर्गिन मुगल रूलर यह बहुत थर मुझे स्पेशल क्लास अनअकाडेमी में पढ़े शाह आलम टू द लास्ट सुबर्गिन मुगल रूलर अर्थात शाह आलम का सहित ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता यह सहित सहित बैटल ऑफ बक्सार शाह आलम थे तेणु ये शाह आलम टू को इंग्लीश सहित जो बक्सार बैटल होता जोटी की पेंशनर हिसाब रे कोरा जोटा कि 26 लाख रो प्रोवाइड करा जाउथिला एनुअली एंड दैट टू ए माने शाह आलम टू को पेंशन हिसाब रे 26 लाख टंका प्रोवाइड करा जाउथिला तेनु ए शाह आलम टू को हमें लास्ट सुबर्गिन मुगल एम्परर कहि परिबा जरे कोनोसी अतिक्ति नाही बा दिल्ली को 1803 ने सरेंडर करा जाइथिला शाह आलम को द्वारा ब्रिटिश को जाकि हमें कहि परिबा लास्ट सुबर्गिन ओनली लास्ट रो कहले जाकि बहादुर शाह जाफर शाह आलम टू समय ही मुगल जहाँ कि पेंशन रही मैंने मुगल रूलर मैंने पेंशन पाते अर्थात दिल्ली तर ना तो से पर लास्ट सुबर्गिन मुगल रूलर तेनाली असुविधा ना या राइट अच्छी। मोहम्मद शाह उइड्रू जाजिया येस मोहम्मद शाह जो जाजिया किए आपण औरंगजेब री अगेन इम्पोज करते अफिसीयली ही जोटा कि मोहम्मद शाह ही कौन करते उइड्रू करते 1720 मसीह तो बोथ हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन हूज इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एमंग देम आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दुली बिकेम वाजीर ऑफ दिल्ली नाही अहमद शाह अब्दुली बैटल रे जाकि अहमद शाह को डिफिट कर सत सॉरी आलम शाह को डिफिट कर सत किंतु वाजीर भावे नथिले बैटल ऑफ पानीपत जो थिला
ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା କି ନବାବ ନବାବ ଖାନ୍ ରୋହିଲା ୟେସ୍ ନବାବ ଖାନ୍ ରୋହିଲା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୱାଜିର ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି ଇନଭେଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ 1748। ହଁ ବିଲକୁଲ ସିକ୍ସଥ ଇନଭାସନ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ୍ ଯିଏକି 1748 ଅହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତ ଇଏଟା ରାଇଟ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ତେଣୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଓନ୍ଲି ଏ ଯେଉଁଟାକି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏମଂ ଦେମ୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ହୁଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏମଂ ଦେମ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଫଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଆଣ୍ଡ ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ଇନ୍ 1749 1739। ତେବେ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, ଅହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଇଏ ସେଇ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ରଙ୍ଗିଲା ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ରଙ୍ଗିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଏବଂ ନାଦିର ଶାହ ଯେଉଁ ନାଦିର ଶାହ ଯିଏକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୋହିନୂର ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ରଙ୍ଗିଲାଙ୍କ ଠାରୁ। 1749 ମସିହାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଲ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଏବଂ ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବା ତୁଜୁକ୍ ଆଇ ତାଉସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିବା ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ କି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ନାଦିର ଶାହ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସହିତ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ କୋହିନୂର ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଲସୋ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଲ। ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଇନଭେଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ 1734 ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଶାହ। ଇସ୍ ବିଲକୁଲ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କ ସମୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନଭେଡ଼ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା 1734 ନଥିଲା, ଏହା 1737 ମସିହା ଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁଟା ବି ରାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୋଥ୍ ଆର୍ ରଙ୍ଗ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ଫଟ୍ ଇନ୍ 1764 ବିଲକୁଲ ଲେଡ୍ ବାଇ ଆୟରକୁଟ ନାହିଁ, ଆୟରକୁଟ ଥିଲେ ଆୟରକୁଟ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ଦିୱାସ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ଦିୱାସ ବା ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରକୁଟ ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହଟେଇବା ପଛରେ। ତେବେ ଏଠାରେ କିଏ ଥିଲେ, ମୁନରୋ, ଲେଡ୍ ବାଇ ମୁନରୋ ଫ୍ରମ୍ ଇଂଲିଶ ବ୍ରିଟିଶ କମାଣ୍ଡର ମୁନରୋ ଯିଏକି ଏହାକୁ ଥୋମାସ ମୁନରୋ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଥୋମାସ ମୁନରୋ ଯିଏକି ଲେଡ୍ କରୁଥିଲେ ଇଂଲିଶ ତରଫରୁ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାରରେ ଗୋଟେ ତିନି ତିନି ରୁଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲିଶ ଡିଫିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆହ୍ଲାବାଦ ରିଟ୍ରି। ଏହି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଇଂଲିଶ ବକ୍ସାରରେ ଯେଉଁଟାକି ଡିଫିଟେଡ୍ ଇଂଲିଶ ଡିଫିଟେଡ୍ ଥ୍ରୀ ରୁଲର ଆଉ ଡିଫିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବକ ତିନୋଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆହ୍ଲାବାଦ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟ ମାନେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ଲାବାଦ ଟ୍ରିଟି ରହିଛି, ଆହ୍ଲାବାଦ ଟ୍ରିଟି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1765 ମସିହାରେ ଗୋଟେ 12 ତାରିଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 16 ତାରିଖ, 12 ମେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 16 ମେରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ 12 ମେରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ଟ୍ରିଟି ଥିଲା ଏଥିରେ 16 ଲକ୍ଷର ଯେଉଁ କୋରା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶାହ ଆଲମଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 16ରେ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା 16 ତାରିଖରେ ଏହା ଆୱାଧ ରୁଲରଙ୍କ ସହିତ, ଆୱାଧ ରୁଲର ସୁଜାଉଦୁଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଆୱାଧ ରୁଲର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା, ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା, ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବା ଆଲି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ରହିବ ନା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରହିବ ବୋଲି ଏହି ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ତେବେ ଆହ୍ଲାବାଦ ରେଟି ତିନୋଟି ନୁହେଁ ଦୁଇଟି, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି କି ହୁଜ୍ ଇଜ୍ ଆ ନଟ୍ ରିଲେଟ୍ ଟୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମିଡ଼ା ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମିଡ଼ା ଯିଏକି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, ଯିଏକି ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି ବା କାର୍ଜ ଆର୍ମେଡ଼ା କାଫିଲା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କି, ବିଲକୁଲ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବେଡ଼େରା ଯେଉଁ ଥିଲା ଫଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ନୁହଁ, ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଡଚ୍, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଡଚ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏହି ବ୍ୟାଟଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବେଡ଼େରା, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବେଡ଼େରା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଡଚ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ଯାହାକି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଓକେ ତେଣୁ
1769 मसीह थिला एटा ओके एंड नॉट रिलेट करले ओनली बी ओके नेक्स्ट जे हमें कहबा व्हिच स्टेटमेंट इज राइट अमंग देम डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट पुलिकट जोटा कि पुलिकट थारे प्रथम फैक्ट्री एस्टैब्लिश करथला कि डच एंड इन पीरियड तबे यहाँ डच फास्ट फैक्ट्री एट पुलिकट नुहे जहाँकि हूँ मासुलीपाटनम मासुलीपाटनम ठारे प्रथम फैक्ट्री जहाँकि आपणकर एस्टैब्लिश करते थारे पुलिकट थिला जहाँकि हेडक्वार्टर पुलिकट थिला जहाँकि हेडक्वार्टर अफ डच हेडक्वार्टर अफ डच ओके आ प्रथम फैक्ट्री हूँ मासुलीपाटनम ईस्ट कोस्ट रे आंध्र प्रदेश रे जोटा कि मासुलीपाटनम पुलिकट हूँ तमिलनाडु तबे इन पीरियड ऑफ डच इंडिया केम इनटू डच पीरियड रे ही इंडिया को गारमेंट ऑफ द वर्ल्ड कॉटन पाई कि गारमेंट ऑफ द वर्ल्ड कह जाता है कौन से संदेह ना ओनली बी हूँ आप राइट स्टेटमेंट ए टी हूँ रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हु स्टेटमेंट पेयर इज रॉन्ग पेयर अमंग देम डच 1602 रे आसी थिला सोदिश जो रही 1731 मसीह आनीश 1616 फ्रेंच 1656 नुहे 1664 मसीह आसी एंड इंग्लीश जहाँकि आपणकर 1600 मसीह फास्ट पर्तुगीज जी कि 1498 मसीह सब लास्ट जोटा कि 1972 इंडिया रु हटे थे अर्थात फास्ट आसवा और लास्ट जीवा होती पर्तुगीज तेणु ऑप्शन डी हूँ रॉन्ग पेयर सो दैट ऑप्शन डी फ्रेंच 1664 मसीह अराइव एट इंडिया हु स्टेटमेंट इज रॉन्ग अमंग देम जॉब चान्नांग फाउंडेड सिटी कलकत्ता हाँ बिल्कुल राइट अच्छी गत काल आपको पढ़ाऊ कौरे स्पेशल क्लास इन ऑन एकेडमी एंड इंग्लिश बिल्ट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता इन 1700 मसीह ही फोर्ट विलियम बना जाता जोटा कि कलकत्ता अच्छी यह आपर रईट अच्छी तेणु नन हूँ आपको रईट आनसर कहीं दीटा जो रईट अच्छी से पचार किए रंग अच्छे कहीं रंग ना तेणु अप्सन डी हूँ आनसर नन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ह्विच इज रंग स्टेटमेंट एमंग देम फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टाब्लीश एट पुडुचेरी बाय फ्रांकोइस क्यारन ओके तेज प्रथम फैक्ट्री एस्टाब्लीश होता पुडुचेरी नुह प्रथम फैक्ट्री थी सूरत तेज पुडुचेरी कौन थी ना फ्रेंच रा हेडक्वार्टर थिला सूरत रे किंतु स्टार्ट हेतला प्रथम फैक्ट्री हेडक्वार्टर थिला पुडुचेरी ओके एंड बाय फ्रांकोइस क्यारन नेत्रे कोनो संदेह नै फ्रेंच साइंड ट्रीटी ऑफ रिज्विंग विथ इंग्लिश नुहे विथ डच फ्रेंच जोटा कि पुडुचेरी को नेबापाई तो डच अधीन रे थिला पुडुचेरी डच थारु पुडुचेरी को नेबापाई ट्रीटी ऑफ रिज्विंग राजीनामा स्वाक्षरित होता फ्रेंच एवं डच मान डच भितर जोटा कि फ्रेंच रिस्टोर कर पुडुचेरी पुडुचेरी को एगेन तार जगह अधीन रखिपारी तेरे दुईट जाक जेहेतु भूल रही तेनाली ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर कारण बोथ स्टेटमेंट आर रंग क्वेश्चन पचार रंग कौटा अच्छे तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन रही है ह्विच पेयर इज रंग अकॉर्डिंग टू आंग्लो फ्रेंच वार फर्स्ट कर्नाटिक वार जोटा कि आंग्लो फ्रेंच भितर ट्रीटी ऑफ अक्सिला चापेल द्वारा यह जोटा कि एंड एंड सेकेंड कर्नाटिक वार जो कि 1749 यह ट्रीटी ऑफ सूरत नुहे ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी अर्थात पंडिचेरी बोली आप जहाँ भी कहे से पुडुचेरी नाम है ना तेणु ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी कहीपर ट्रीटी ऑफ पंडिचेरी कहीपर एंड थर्ड थिला जोटा कि बैटल ऑफ वांदीवास बिकेम फ्रेंच वास बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस थिला जहाँ को वांदीवास बैटल कहते जो थे फ्रेंच कम्प्लीटली इंडिया रु छाड़ जाइए तेणु यह भितर जदि आम रंग ठीक कहवा ऑप्शन बी हूँ भितर रंग पेयर आशा करुच्चे समस्ते बुझीपारी आज क्लास को जदि मत ग्रुप आड होगा चाहते आपन को ये नंबर प्रोवाइड कर दी जाएगी 8249414425 मात्र 450 टंका आपको पे कर ये ग्रुप आड होगा पड़ो जो जनरल अवेयरनेस और ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जहाँ कम्प्लीटली फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड रहा सहित सहित जदि आपको ये सेसन पसंद आसे सेसन को लाइक करने सहित कमेंट करने सहित सेसन आउ कौन रिक्वायरमेंट रही है आपको कमेंट
करेंगे एंड सेसन को सेयार करेंगे निश्चित भाव एंड सब्सक्राइब तो करने को बिल्कुल भूलिबे नहीं कहीं आपण सहित आहुरी थ्योरी क्लास जोटा कि आने जाऊँगी एमसीक्यू सहित आग को निश्चित भाव आसंता क्लास में आउ किसी क्वेश्चन को नहीं देखा तो देखु था क्रैक विथ चंदन सार। थैंक यू वेरी मच।